नमस्कार, मैं डॉक्टर अंशुल कुमार गुप्ता, कंसल्टेंट इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट यानी हृदय रोग विशेषज्ञ मणिपाल हॉस्पिटल जयपुर से। आज बहुत ही इम्पॉर्टेंट डे है जिसे हम वर्ल्ड हार्ट डे यानी विश्व हृदय दिवस के रूप में मनाते हैं। ये एक बहुत महत्वपूर्ण दिवस है क्योंकि इस दिन वर्ल्ड ओवर पूरी दुनिया में जगह जगह हार्ट डिजीज अवेयरनेस प्रोग्राम्स बनाए जाते हैं। जैसा कि हम सब आजकल देखते हैं कि हार्ट की बीमारियां लगातार ही बढ़ रही हैं, और अगर पोस्ट कोविड देखा जाए तो हार्ट की समस्याएं काफ़ी कई गुना बढ़ गई हैं। उसके पीछे काफ़ी महत्वपूर्ण कारण भी हैं, पर ओवरऑल अगर हम देखें तो ये समस्याएं हमारे आजकल के रोज़ाना हमारे जो जीवन शैली है उसमें परेशान कर रही हैं। तो क्यों इतनी हार्ट डिजीज़ होती हैं, उनकी क्या कारण हैं, उनका क्या निवारण है, क्या किस तरीके से हम उनको ट्रीट कर सकते हैं, वो थोड़ा शॉर्ट में आज डिस्कस करते हैं। इस वर्ल्ड हार्ट डे पर एक स्पेशल थीम रखी गई है जो कि है यूज हार्ट फॉर एवरी हार्ट, यानी कि हमें हमारे दिल की दिल से देखभाल करनी है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट थीम है कि अब तक ये था कि हम हार्ट की कई बार हेल्थ को इग्नोर करते रहे हैं, स्पेशली यंगस्टर्स। अगर हम देखें यंग में बहुत ज़्यादा हार्ट के केसेस आ रहे हैं, यंग हार्ट अटैक के केसेस लगातार आए दिन सुनाई दे रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा हमारी सेलिब्रिटीज़ भी इसका शिकार हुए हैं, और आप भी अपने आस पड़ोस में अगर देखें तो अब काफ़ी यंग पेशेंट्स हार्ट अटैक से ग्रसित हो रहे हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हम अपने दिल का ख्याल पूरा दिल लगा कर करें, यानी हम अपने हार्ट का ख्याल रखने के लिए जो भी आवश्यक हमारी जो प्रिकॉशंस हैं उनको लें, और साथ में जो भी टेस्ट रिक्वायर्ड हैं वो भी किए जाएं। किस तरह से हम प्रिकॉशंस ले सकते हैं, हम अपनी डाइट और एक्सरसाइज का विशेष ख्याल रखें। डाइट में एक बैलेंस डाइट लेना है। आजकल जो कल्चर के हिसाब से हम देखते हैं फास्ट फूड, केन्ड फूड आइटम्स, जो पैक्ड फूड मटेरियल हैं वो बहुत ज़्यादा यूज़ होने लगे हैं। तो जो कुछ भी बनाना है वो घर पे फ्रेश बनाएं और खाएं, इसमें कोई बहुत बड़ा ज्ञान नहीं है। जैसे पहले यूज़ होती थी सारी चीज़ें घर पे बनती थी, उसी तरीके से घर पे बनाया हुआ सिंपल खाना बहुत अच्छा रहता है। खाने में थोड़ा सा घी तेल की मात्रा और चीनी नमक की मात्रा थोड़ा कम रखें, और वेजिटेबल और फ्रूट्स की मात्रा को हमेशा बढ़ाएं। और दूसरी तरफ अगर हम एक्सरसाइज देखें तो एक्सरसाइज में हमें डेली एटलीस्ट 30 मिनट्स की एक्सरसाइज, जो कि